बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी PCOS की, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आप लोग जब भी लिखते हैं, मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं, बातें करते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हीं चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाऊँ जिनके बारे में आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप डिमांड करते हैं। PCOS, इसके नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी कि आपकी ओवरीज जो हैं, बच्चेदानी के अंदर जो दोनों ओवरीज होती हैं उसके ऊपर सिस्ट डेवलप हो जाती हैं। अब उन सिस्ट के डेवलप होने की वजह से लोगों का वेट गेन भी होता है, लड़कियों का पेनफुल भी बहुत होता है, उसके अलावा बच्चा कंसीव करने में भी बहुत से मसाइल होते हैं। और कहते हैं कि अगर आपको PCOS है तो देयर्स अ लॉट ऑफ लाइक गाइनी के प्रॉब्लम्स जिनको आपको फेस करना पड़ता है। एंड ऑब्वियसली जब गायनेकोलॉजिकल या हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो फिर आपकी बॉडी जो है वो या तो बहुत वेट गेन कर लेगी, वेट कम बहुत हो जाएगा। ऐसे लोग जब एक्सरसाइज भी करते हैं तो उनको वो वाले रिजल्ट्स नहीं मिलते जो नॉर्मली लोगों को मिलते हैं। लेकिन PCOS वाले जो बहुत सी ख्वातीन होती हैं, ज़्यादातर में देखा जाता है कि उनका वेट जनरली भी बढ़ा हुआ होता है। आज मैं बात करना चाहूँगी, देखिए अगर एक चीज़ एक कंडीशन है, अब ये एक ऐसी कंडीशन है, बीमारी अपनी जगह लेकिन ये कंडीशन है जिसके साथ इंसान ने जीना होता है। जैसे डायबिटीज़ अगर आपको हो जाए तो डायबिटीज़ जो है वो सारी ज़िंदगी रहती है, आपने उसको मेनटेन करना होता है और कोशिश ये करनी होती है कि वो चीज़ें करें जो आपके कंडीशन को वर्स ना करें। सो PCOS को बेहतर बनाने के लिए, बेरेबल बनाने के लिए, या क्या करना चाहिए जिससे आपकी सिचुएशन बेहतर हो जाए। स्किन बहुत से लोगों के ख़राब हो जाती है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि गैर ज़रूरी दवाइयाँ, यानी कि अननेसेसरी मेडिकेशन लेनी छोड़ दें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये पेन किलर पिल्स जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि बहुत से पेन किलर्स जिनके डिफरेंट सॉल्ट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, आइबुप्रोफेन है, पैरासीटामोल है, एस्प्रिंस है, लोग बहुत सी दवाइयाँ लेते हैं पेन के लिए, और उसके अलावा वैसे भी बहुत सी दवाइयाँ लेते हैं। आजकल ये बहुत ट्रेंड है कि लोगों ने थायरॉक्सिन लेनी शुरू कर दी है वेट कम करने के लिए। कहते हैं कि अगर आप थायरॉक्सिन लेंगे, जो थायरॉयड के प्रॉब्लम वाले लोगों की दवाई है, तो उससे वेट कम हो जाएगा। ग्लूकोफोज लोग लेना शुरू कर देते हैं, विच इज़ बेसिकली अनदर थिंग जो आई थिंक प्री डायबिटिक लोगों को दी जाती है। अब बात यह है कि क्यों हम बिला वजह अपने सिस्टम के अंदर चीज़ें डालते हैं। तो अब अगर आपका वेट गेन हो रहा है PCOS की वजह से, तो लोग मेडिकेशन ऐसी लेनी शुरू कर लेंगे। अक्सर लोग जो हैं वो ऑफ़ द काउंटर जाके कि जो वेट लॉस की मेडिसिन है वो भी लेनी शुरू कर देते हैं। स्किन ख़राब है तो स्किन को ठीक करने के लिए सर्टन विटामिंस का ओवरडोज अपने सिस्टम में डालना शुरू कर देते हैं। अब उन चीज़ों की वजह से आपकी जो सिस्ट होती हैं या जो आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं वो और ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और प्रॉब्लम्स होती हैं। सो प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको PCOS है तो प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना चेकअप कराएं और उनको पूरी लिस्ट दें कि जी मैं सप्लीमेंट्स ये लेती हूँ, ये चीज़ें खाती हूँ, मतलब ये चीज़ें हैं जो मेडिकेशन वाइज मैं लेती हूँ। हो सकता है उनमें से कोई ऐसी मेडिसिन हो जो आपकी कंडीशन को वर्स कर रही हो और आपकी सिचुएशन को ट्रिगर कर रही हो। सो सबसे पहले तो प्लीज़ स्टॉप टेकिंग अननेसेसरी मेडिसन्स। ये इन लाइफ हमें अपना रूल बना लेना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो डेली पेन किलर लेते हैं जस्ट लाइक दैट, बिकॉज उनको आदत पड़ चुकी होती है। किसी की भी बॉडी को किसी भी मेडिसिन की परपेचुअली आदत नहीं पड़नी चाहिए, अनलेस उनकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो, जैसे थायरॉक्सिन हो गई या इंसुलिन हो गई फॉर डायबिटीज़, या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की मेडिकेशन हो गई। वैसे तो हर चीज़ हम ग़िज़ा से मैनेज कर भी सकते हैं। अब अगर हम ग़िज़ा की बात कर रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड्स। अब प्रोसेस्ड फूड्स क्या होते हैं? ये वो चीज़ें होती हैं जिनको हम पैकेज करते हैं और हम डब्बों में ख़रीदते हैं। इनमें बहुत से प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। छोटी सी लॉजिकल सी बात करूँगी, अगर आप नॉर्मल जो दूध है जो आप दूध वाले से लेते हैं, अगर आप उस दूध को देखें तो वो 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलता, बल्कि 2 दिन भी निकाल दे आजकल के सीज़न में तो, बल्कि 1 दिन भी निकाल दे तो बहुत बड़ी बात होती है, अनलेस उसको प्रॉपर तरीके से फ्रिज वगैरह में रखे तब भी। अब आप डब्बे में जब दूध ख़रीदते हैं तो वो महीनों चलता है। अगर एक ऐसी चीज़ जो 24 to 48 hours में ख़राब हो जाती है, वो 6 महीने तक नहीं ख़राब हो रही, तो कोई तो उसमें केमिकल डला होगा ना, और वो जब आप अपने सिस्टम में डालेंगे तो वो केमिकल आपको भी इफ़ेक्ट करेगा। अब प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स, ये चीज़ें आपकी स्पेसिफिकली PCOS को बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। सो प्रोसेस फूड से जितना दूर जा सकते हैं प्लीज़ जाएँ। चिप्स के पैकेट्स ख़रीदते हैं भी, अगर बहुत दिल चाह रहा है फ्रेंच फ्राइज़ चिप्स खाने का तो फ्रेंच फ्राइज़ घर पे बना लें,
फ्रेश आलू काट के अगर दिल चाह रहा है, या उनको बेक कर लें। ज़रूरी है कि चिप्स के पैकेट लें जिसमें मसाला जात और बहुत सी, अगर ये भी दो दो तीन तीन साल तक चिप्स के पैकेट चलते हैं, तो दो तीन साल तक तो चिप्स का पैकेट चलता है, ऊपर से इसके अंदर पता नहीं क्या क्या केमिकल्स डले हुए हैं। सो प्लीज़ प्रोसेस फूड से थोड़ा सा इज्तनाब करें, बल्कि बहुत ज़्यादा करें। ये नॉर्मल हेल्दी लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है, बट फॉर PCOS प्लीज़ अवॉइड प्रोसेस्ड फूड्स। अब खाना क्या चाहिए, ये सवाल भी अक्सर मेरे पास आता है कि भाई व्हाट शुड वी ईट। वेजिटेबल्स, वो खाने जो प्रोटीन में रिच हैं, यानी कि आप फ़िश का इस्तेमाल करें, लेकिन प्लीज़ उस फिश का, जैसे कि सोल आपने इस्तेमाल कर ली, सामन आपने इस्तेमाल कर ली, वो फ़िश इस्तेमाल करें जो नेचुरल है। कुछ ऐसी केमिकल इंड्यूस्ड मछली भी मिल रही है आजकल मार्केट में जो बहुत सस्ती होती है, तो लोग कहते हैं मछली तो है ना। देखें, बात यह है कि खाने को तो हम फिर कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन अंदर जाके वो हमारा कितना बेड़ा गर्क करती है, उसमें मर्क्यूरियस मछली में क्या क्या है हमें नहीं पता। सो कोशिश करें कि मछली, गोश्त, जैसे कि मटन या बीफ, चिकन, एग, पनीर, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, ये आपकी PCOS को बेहतर करेगा। सब्जियों का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें, लेकिन प्लीज़ टिंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात नहीं हो रही, ये भी प्रोसेस्ड में आ जाता है। अगर आपने फल और सब्जियां खानी हैं तो इन अ प्लेस लाइक पाकिस्तान या साउथ एशिया, बल्कि पूरी दुनिया में फल तो मिलते ही ऑलमोस्ट सारे ममालिक में। सो फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आम इन सीज़न है तो 8 आम दिन के खा लें, उससे आपकी हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा। आम में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, और मैंगो जो है वो थोड़ा सा जिन लोगों को सर्टन काइंड ऑफ कंडीशंस होती हैं उसको भी ख़राब कर देता है। सो सेब खाएं, केला खाएं, आम खाएं, अमरूद खाएं, कि मतलब ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो इन सीज़न है उनका इस्तेमाल करें, और उनको पका के उनका बेड़ा गर्क ना करें सब्जियों का। ट्राई टू हैव फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ताकि अगर आपको भूख लगे भी तो आप ऐसी चीज़ खाएं जो आपको बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं कराएगी। अब एक चीज़ जिस पे हर कोई कहता है कि ये बड़ा मुश्किल होता है, एक्सरसाइज। बहुत वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ घर पे एक्सरसाइज करने को, आउटडोर आप क्या कर सकते हैं, जिम में आप क्या कर सकते हैं, और बड़ा स्पेशल एक ये एफर्ट है कि भाई व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू। मैंने बल्कि अपनी फिटनेस स्टूडियो भी खोल ली है फिट कल्चर के नाम से, Phase 6 DHA लाहौर में, जहाँ पे मेरे ट्रेनर बासिम शहजाद जो हैं वो मेरे पार्टनर भी हैं, हम लोग दोनों जो हैं इन चीज़ों को ओवरसी करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि सस्ते से सस्ते तरीके से घर पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनके साथ इंसान एक्सरसाइज करे, ताकि घर पे भी वो मेंटेन कर सके, अगर स्टूडियो आना है स्टूडियो आ जाए, और जो नहीं अफोर्ड करते वो घर पे करें। इसीलिए तो मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। सो द पॉइंट इज़ एक्सरसाइज एवरी डे फॉर 20 मिनट्स। मैं आपको घंटा, दो घंटे, चार घंटे नहीं कह रही, 20 मिनट हर रोज़ कोशिश करें कि आप एक्सरसाइज करें। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब आपकी बॉडी एक्सरसाइज करती है पसीना आता है, आपके सिस्टम से टॉक्सिन्स निकलते हैं, जब वो टॉक्सिन्स निकलते हैं तो वो आपकी किसी भी फिजिकल कंडीशन को बेहतर करते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, और PCOS जिन लोगों को है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उन लोगों को तो स्पेशली रिकमेंड किया जाता है कि प्लीज़ एक्सरसाइज ज़रूर करें। मैंने जिस भी गायनेकोलॉजिस्ट को कॉल की, ये सारे जो टिप्स मैं आपको दे रही हूँ मैं डॉक्टर से बात करने के बाद, रिसर्च जमा करके, बिकॉज PCOS के इतने सवाल आ रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। सो ये मेरा पहला पार्ट है PCOS के डिस्कशन का, और भी मज़ीद और आपके साथ चीज़ें और टिप्स शेयर करूँगी अगर कोई लेटेस्ट रिसर्च है, ऑप्शंस, अल्टरनेटिव्स, बट जो 100% ऑलमोस्ट हर कोई कहता है वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। एक्सरसाइज आपने ज़रूर करी, वेट अपना मेंटेन रखना इस सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना आपका वेट बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा ये चीज़ आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगी और ज़्यादा आपकी कंडीशन ख़राब होगी। फाइनली नींद, पानी तो आपने बहुत पीना है, वो मेरी हर वीडियो में मैं ऑलमोस्ट कहती हूँ, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, वाटर इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, आपके सिस्टम को भी फ्लश आउट करता है, लेकिन 8 घंटे नींद आपने ज़रूर पूरी करनी है। बहुत से लोग जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है उनकी नींद नहीं पूरी होती, वो लेट नाइट तक जागते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। 8 घंटे आपने अपनी नींद ज़रूर पूरी करनी है, मेरी रिक्वेस्ट है। ये जो 5 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अगर आप इन्हीं को फॉलो थ्रू कर लें तो आई थिंक दैट आपकी कंडीशन बहुत बेहतर हो जाएगी। जब आप रेस्ट करते हैं, रात को सोते हैं और 8 घंटे की आपकी नींद पूरी होती है, आपकी बॉडी रिकवर करती है, आपकी बॉडी अपने आप को हील करती है। सो प्लीज़ गिव योर सेल्फ दैट मच मार्जिन एंड लीवे कि आप अपनी हेल्थ का प्रॉपर तरीके से खराब जो ख्याल है रखें और उसको ख़राब होने से बचाएं। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई सीरियस कंडीशन या प्रॉब्लम है आपको, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, तो प्रॉपर डॉक्टर से रुजू करें। कोई भी मेडिकेशन डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं लेनी, और कोई भी मेडिसिन उनसे डिस्कस किए बगैर छोड़नी भी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तबीयत जैसे ही ठीक होनी शुरू हो जाती है लोग छोड़ देते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक,
टू एनी वन एंड एवरी वन हु सफर्स फ्राम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. मेरे बहुत से दोस्तों को है, मेरे बहुत से जानने वालों को है. बहुत पेनफुल और इरिटेटिंग सिचुएशन, वेट, स्किन, बाल गिरने, और बाल बहुत गिरते हैं इससे. सो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल इम्पॉर्टेंट है. फाइनली, अगर आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा एंड कॉमेंट भी कीजिएगा, और अपनी फीडबैक भी दीजिएगा और अपनी टिप्स भी शेयर कीजिएगा. मे बी आपकी ही टिप्स पे नेक्स्ट टाइम एक वीडियो बनाई जाए. एंड ऑफ कोर्स मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. तो अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है. खुदा हाफिज़.